सो हेलो एंड वेलकम दोस्तों, वेलकम टू टेक्निकल साइड यूट्यूब चैनल। दोस्तों आज इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं कि आपको क्रोम का, गूगल का सर्च हिस्ट्री कैसे डिलीट करना है। आपने जो भी ब्राउजिंग हिस्ट्री आपने देखा है, सर्च किया है एक्स वाई जेड, उसे ऑल डिलीट कैसे करना है। तो वीडियो काफ़ी इंटरेस्टिंग होने वाली है, इस वीडियो को प्लीज़ एंड तक ध्यान से देखना। और इससे पहले अगर आप हमारी यूट्यूब चैनल पर नहीं है तो चैनल को कर दीजिए सब्सक्राइब, क्योंकि इसी तरह की टिप्स एंड ट्रिक्स वीडियो आपके इस चैनल पर मैं डेली अपलोड करता रहता हूँ। तो सबसे पहले आपको सर्च हिस्ट्री डिलीट करने के लिए चलते हैं क्रोम ब्राउजर पे। और यहां पे आने के बाद आपके पास कुछ ऐसा नया पेज इंटरफेस ओपन होके दिखाई देगा। सिंपली आपको जाना है यहां पे सबसे ऊपर थ्री डॉट वाले निशान पे, और इसमें आने के बाद यहां पे आपको दिखाई देगा डिलीट ब्राउजिंग डाटा। ठीक है, सिंपली आपको इसमें टैप कर देना है। टैप करने के बाद आपके पास कुछ ऐसा पेज ओपन होके दिखाई देगा। अब आपको यहां पे क्या करना है, यहां पे लिखा आ रहा है डिलीट ब्राउजिंग डाटा लास्ट 15 मिनट्स, यानी कि आपको जो ब्राउजिंग डाटा डिलीट करना है वो कितने टाइम का करना है, लास्ट 15 मिनट्स का करना है या लास्ट 1 आवर का, लास्ट 24 आवर्स का या लास्ट 7 डेज का या लास्ट 4 वीक्स यानी कि 1 मंथ का, या ऑल टाइम यानी कि जितने भी मैंने अब तक का सर्च हिस्ट्री मतलब मैंने सर्च किया है क्रोम पे वो सारा कुछ डिलीट हो जाए। तो मैं ऑल टाइम पे कर देता हूँ, क्योंकि मुझे ऑल डाटा इरेज करना है, जितने भी सर्च डाटा है, जितने मैंने क्रोम पे सर्च किया है उन सबको मुझे डिलीट करना है। तो मैंने ऑल पे क्लिक किया हूँ एवर पे, और उसके बाद यहाँ पे मोर ऑप्शन पे आपको टैप कर देना है। और मोर ऑप्शन पे टैप करने के बाद आपको यहाँ से पूछा जाएगा कि किस टाइप का आपको ब्राउजिंग हिस्ट्री डिलीट करना है। ब्राउजिंग हिस्ट्री मैंने टैप किया हूँ, कुकीज़ में भी टैप किया हूँ और कैचेस इमेजेस एंड फाइल्स में भी टैप किया हुआ हूँ। अब इतना करने के बाद वापस आ जाने यहाँ पे बैक, दोबारा से चलते हैं थ्री डॉट पे, इसके बाद चलते हैं हम डिलीट ब्राउजिंग डाटा पे। उसके बाद यहाँ पे टैप करके आपको ऑल टाइम चूज कर लेना है, और इसके बाद सिंपली डिलीट वाला जो डाटा ऑप्शन है आपको इसमें टैप कर देना है। जैसे ही आप इसमें टैप करोगे तो आपके पास जितने भी गूगल में जो ब्राउजिंग डाटा था वो सारा कुछ डिलीट हो चुका होगा। मैं वापस से जाके आपको दिखाता हूँ। तो ये देखिए हमारा जो क्रोम पे जो था वो सारा कुछ डिलीट हो चुका है। न्यू टैब पे ओपन करते हैं, और न्यू टैब पे ओपन करने के बाद आपके पास कुछ नया पेज इस तरीके से ओपन होकर दिखाई देगा। वापस से थ्री डॉट पे जाते हैं और उसके बाद डिलीट ब्राउजिंग डाटा पे टैप करते हैं। तो आप यहाँ पे देख पाओगे कि आपके पास यहाँ पे कोई सी भी यहाँ पे देख पाओगे यहाँ पे भी कोई सी भी आपका सर्च हिस्ट्री या फिर बैकग्राउंड में कोई सी भी सर्च डाटा यहाँ पे स्टोर नहीं है। तो इस तरीके से आप गूगल पे, क्रोम पे आप अपना जो भी ब्राउजिंग डाटा है वो आप क्लियर कर सकते हो एक ही क्लिक में। बहुत ही सिंपल एंड बहुत ही आसान तरीका आपको बताया हूँ। वीडियो पसंद आया था वीडियो को लाइक कर देना, और इसी तरह की वीडियो को देखने के लिए चैनल को कर दीजिए सब्सक्राइब। मिलते हैं फिर एक नई वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।